हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ चांदनी चौक में न्यू ओपन ओमैक्स चौक मॉल दिखाने। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओमैक्स चौक मॉल से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। लोकेशन क्या रहेगा, अंदर आप क्या क्या चीजें देख पाएंगे, पार्किंग की क्या फैसिलिटी है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओमैक्स चौक मॉल के लोकेशन के बारे में बात करें तो SC सेन मार्ग चिप्पीवाड़ा ओल्ड दिल्ली में पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे खुद की गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगा और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग बनाया हुआ है जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 2200 प्लस कार की है। ये मॉल सुबह 11 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, इस मॉल तक आपको आने के लिए चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे आना है, गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है। एग्जिट करते ही बाहर आप देख पाएंगे ओमैक्स मॉल, ये सामने देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है ओमैक्स का। और गेट नंबर 1 से एग्जिट करके आप लेफ्ट लेके गूगल मैप का यूज़ करके इजीली मॉल तक पहुँच पाएंगे। आने वाले टाइम पे आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट मॉल के अंदर एंट्री कर पाएंगे, मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों, ये मॉल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये मॉल एशिया का लार्जेस्ट होलसेल एंड रिटेल हब बन जाएगा। दोस्तों, इस मॉल के अंदर भारत का सबसे बड़ा फूड कोर्ट बनाया गया है, जहाँ पे एक साथ 2000 से भी ज्यादा लोग बैठ के खाना खा पाएंगे। और इस फूड कोर्ट का नाम रखा गया है दावतपुर, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, सुनहरी गली, लालबाग, पन्नापुरी और ब्लू स्ट्रीट। और इसके अंदर आप कौन कौन से रेस्टोरेंट वगैरह देख पाएंगे वो आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं। रोल्स मेनिया होगा, वाव चाइना होगा, वाव मोमोज होगा, बर्गर किंग होगा, eat.co होगा, हॉन्ग्स किचन होगा, डोमिनोज होगा, पिज़्ज़ा हट होगा, कैफ़े चेन्नई होगा, KFC होगा। ये सारे फूड आउटलेट्स आप अंदर देख पाएंगे। ये आप अंदर चलते हैं और आपको पूरे मॉल का फुल टूर देते हैं। तो दोस्तों, मॉल के अंदर आ चुके हैं और ऊपर इस तरह से कुछ डेकोरेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ऊपर दावतपुर फूड कोर्ट बनाया हुआ है 2nd फ्लोर पे, और मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। इस तरफ आपको कल्याण ज्वेलर्स का स्टोर दिख जाएगा और इस तरह का कुछ मॉल अंदर बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। मैं ग्राउंड पे हूँ, ये 1st फ्लोर है या 2nd फ्लोर है। तो एक एक फ्लोर कवर करते हुए ऊपर चलते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं, फुल टूर देते हैं इस जगह का। आने वाले टाइम पर आप यहाँ पर ज्वेल कोर्ट देख पाएंगे, दिनों में यहाँ पर काव्या भी ओपन होने वाला है। और इधर और एक ज्वेलरी से रिलेटेड स्टोर खुल चुका है, मालावर गोल्ड एंड डायमंड का स्टोर भी यहाँ पे खुल चुका है। बाकी इस तरफ और एक स्टोर खुलने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो मेन गेट से एंट्री करने के बाद मैं थोड़ा आगे की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर कितना शानदार बनाया हुआ है। तो अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। बहुत सारे स्टोर खुल गए हैं और बहुत सारे स्टोर खुलने वाले हैं। ज्वेलरी में देख सकते हैं यहाँ पे तनिष्क खुलने वाला है, अभी कल्याण ज्वेलर्स खुल चुका है, ओढ़नी यहाँ पे खुलने वाला है, तनेरा खुल चुका है, उसके बाद यहाँ पे बाइट हैंगर भी खुलने वाला है, गीवा खुलने वाला है और स्टारबक्स भी खुलने वाला है। तो बहुत सारे स्टोर आने वाले दिनों में आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट ओपन है, ग्राउंड फ्लोर में तनेरा भी ओपन हो चुका है और इस तरफ भी कई सारे स्टोर खुलने बाकी है, देख सकते हैं सारे ओपनिंग सून लिखा हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर में 3-4 स्टोर खुले हैं, बाकी सारे अभी खुलने वाले हैं आने वाले टाइम पर। तो ऊपर चलते हैं, 1st फ्लोर में दिखाते हैं आपको। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। 1st फ्लोर पे आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉडल दिखेगा ओमैक्स मॉल का, और किस तरह का ये मॉल बनाया गया है वो सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इस तरह का बाहर इस तरह का कुछ होने वाला है, ये कुछ सामने का एरिया रहने वाला है। पीछे के साइड आप देखते हैं मल्टी लेवल पार्किंग एरिया इस तरफ बनाया हुआ है। तो अभी मैं 1st फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का एक पॉइंट बनाया गया है सेल्फी वगैरह लेने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आके आप इस तरह से सेल्फी ले सकते हैं। ये पीछे का जो बैकग्राउंड होगा जो बहुत शानदार बनाया हुआ है। इस तरफ एक स्टोर ओपन होने वाला है, इस तरफ एक स्टोर ओपन होने वाला है, सामने भी आपको स्टोर बहुत सारे ओपन होते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे VIP का स्टोर खुलने वाला है और आगे आप देख पाएंगे सनग्लासेस के लिए एक स्टोर खुलेगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे आ पाएंगे, डायरेक्ट 1st फ्लोर पे आ पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रो एक्सेस, तो अभी ये गेट बंद है, आने वाले टाइम पर आपको ये गेट भी ओपन दिख जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मॉल का कितना खूबसूरत सा एक व्यू दिख रहा है। अभी मैं 1st फ्लोर पर हूँ और यहाँ पर आर्टिसन ज्वेलर्स हाउस ऑफ जोधपुर ये भी ओपन होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ गैलरी यहाँ पे बनाया हुआ है। इस तरफ ओढ़नी का स्टोर ओपन होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है पुराने दिल्ली का नया चौक ओमैक्स चौक। तो इन सारी जगहों पे आपको आने वाले टाइम पे स्टोर ही स्टोर दिखेंगे। तब भी एक बेडिंग स्टोर खुलने वाला है और इस तरफ आप देख सकते हैं एक
बैग का स्टोर खुलेगा, तरफ ओपन होने वाला है ब्राइडल सैलून, और यहाँ पे एक बेडिंग शॉप खुलेगा, इधर भी एक बैग के लिए शॉप खुलेगा। पूरे मॉल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। यहाँ पे दावतपुर जो यहाँ का फूड कोर्ट है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ है नहीं। नीचे ज्वेलरी के लिए दो स्टोर खुल गया है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी हर तरफ जिधर भी आप जाएंगे आपको कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखेगा। ये देखिए हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो मैंने देखा ही नहीं है, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक या दो ही स्टोर ओपन है। इसका जो स्टोर है वो फर्स्ट फ्लोर पे खुलने वाला है। इस तरफ देख सकते कितना अच्छा ऊपर डेकोरेशन किया गया, झालर लगाए हैं कितने सुंदर सुंदर। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ यहाँ के सेकंड फ्लोर में, यहाँ के फूड कोर्ट में, दावतपुर, दावतपुर की दास्ता। ये देख सकते हैं यहाँ का दावतपुर कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ये रहेगा यहाँ का फूड कोर्ट, इस तरह का यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ का फूड कोर्ट ही ओपन दिखेगा, बाकी कुछ खास ओपन हुआ नहीं है। ये इस तरह का सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। इस तरफ हीरा स्वीट्स ओपन होने वाला है, इस तरफ स्वादिष्ट पिज्जा ओपन होने वाला है, जंग बहादुर कचौड़ी वाला ओपन होने वाला है, इस तरफ पंडित गया प्रसाद पराठे वाला ओपन होने वाला है, अमृतसरी एक्सप्रेस ओपन हो चुका है। इस तरफ इस तरह का बनाया हुआ है, अलग अलग लाइटिंग आप देख पाएंगे। इस तरफ वाइट लाइटिंग है, इस तरफ रेड कलर का लाइटिंग आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करा गया है, उस हिसाब से लाइटिंग भी है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इस तरह से झालर से डेकोरेशन किया गया है, इस तरह से कारीगरी आप देख पाएंगे, कितना अच्छा यहाँ पे नक्काशी वगैरह किया गया है। पुराने दिल्ली में ये मॉल बनाया गया है, तो आपको पुराने दिल्ली का भी झलक यहाँ पे देखने को मिलेगा। लालबाग में आपको कौन कौन से फूड आउटलेट्स दिखेंगे वो आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मस्का होगा, शिकागो पिज्ज़ा होगा, वेजले होगा, गैनीज होगा, टुंडे कबाबी होगा, KFC होगा, कुरेशी कबाब कॉर्नर होगा, ताज शरबत होगा, चाइनीज़ वॉक होगा, और सांबर पॉट होगा। इतने सारे आउटलेट आप लालबाग में देख पाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं लालबाग का जो एरिया है ना, वो इस तरह से सारे लाइट्स यहाँ पे आपको रेड कलर के दिखेंगे। इस तरफ लालबाग का एरिया बनाया गया है, और यहाँ पे आपको चाउमीन वेज वाला जो रेस्टोरेंट है वो खुला हुआ दिख जाएगा। इस तरह का सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, ऊपर जाके भी आप फोटोग्राफी वगैरह कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरफ नील नगर वाला एरिया बनाया हुआ है, तो चलते हैं आपको नील नगर दिखाते हैं। तो नील नगर वाला जो एरिया है इसका कलर भी नीला कर दिया गया है, और ये रहेगा यहाँ का नील नगर वाला एरिया। यहाँ पे रोल्स मेनिया ओपन है, बाकी अभी कुछ ओपन दिख नहीं रहा है मेरे को, काफ़ी कुछ ओपन होने वाला है, अभी ओपन हुआ नहीं है। और ये कुछ यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बाकी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे कुछ ओपन हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया रहेगा। फूड कोर्ट पे आएंगे तो आपको इस तरह का भी एक पॉइंट दिखेगा जहाँ फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। लाइटिंग देख सकते हैं कितना शानदार करा हुआ है। इस तरफ नील नगर वाला एरिया बनाया हुआ है, और इस तरफ पन्नापुरी वाला एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट वाला एरिया किस तरह का बनाया गया है, बिल्कुल पुराने दिल्ली की थीम पर आपको यहाँ पे लिफ्ट वाला एरिया दिखेगा। लाइटिंग देख सकते हैं कितना सुंदर करा हुआ है। छोटे छोटे ईंटें पहले यूज़ की जाती थी, वो बिल्कुल वैसा यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ये लिफ्ट होगा, इसका जो कलर है वो भी पुराने ज़माने का रखा गया है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनहरी नगरी में कौन कौन से फूड आउटलेट्स आने वाले हैं। अमृतसरी एक्सप्रेस होगा, कैफे चेन्नई होगा, गया प्रसाद पराठे वाले का होगा यहाँ पे आउटलेट, स्पाइस नामा होगा, कोरीमाल कुल्फी होगा, जंग बहादुर, KDH चाट होगा, स्वादिष्ट पिज्ज़ा होगा, चाट टाउन दिल्ली होगा, हीरा स्वीट्स होगा, घूमर होगा। पूरी में कौन कौन से फूड आउटलेट्स ओपन होने वाले हैं वो आप वीडियो रोककर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सुनहरी नगरी में कौन कौन से फूड आउटलेट्स ओपन होने वाले हैं वो आप यहाँ पे वीडियो रोककर देख सकते हैं। इस तरफ लालबाग वाला एरिया बनाया हुआ है जिसका कलर भी रेड रहेगा, और इस तरफ सुनहरी नगरी बनाया हुआ है और इसका कलर वाइट होगा। इस तरफ बनाया हुआ है पन्नापुरी और नील नगर, पन्नापुरी का कलर कुछ इस तरह का होगा और नील नगर का कलर कुछ इस तरह का होगा, नीला बिल्कुल। ये बनाया हुआ है नील नगर वाला एरिया, और इस तरफ पन्नापुरी वाला एरिया रहेगा। बिल्कुल हरा हरा कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पन्नापुरी में हॉन्ग्स किचन ओपन हो चुका है, इस तरफ देखते हैं बर्गर किंग भी ओपन हो चुका है,
इस तरफ घूमर रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है और ये ट्रेडिशन थाली वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नील नगर में हल्दीराम ओपन होने वाला है, सागर रत्ना ओपन होने वाला है, डोमिनोज ओपन होने वाला है, वाओ पिज्जा ओपन होने वाला है, वाओ चाइनीज ओपन होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे एक ज्वेलरी का स्टोर खुलने वाला है और इस तरफ सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, दिल्ली 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे ओमैक्स चौक और पुरानी दिल्ली का नया चौक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह आप कर पाएंगे, देख सकते हैं लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं।